अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। ये हमारा साइंस का चैप्टर है जो कि हम पढ़ रहे थे एडेप्शन के बाद। हम लोग ने पढ़ लिया था, एडेप्शन तक एटलीस्ट हम लोग ने पढ़ चुके थे। इट हैज़ बीन ओवर आई थिंक 3 लेक्चर्स, हमें 3 लेक्चर्स हो गए, ठीक है ना। इट इज़ 4th वन एंड आई होप आप लोग को पिछला सारा समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस इज़ रियल नेसेसरी टू रीड and understand previous lecture before learning this lecture. अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे plants और animals के बारे में, उनके adaptation के बारे में। Now अब हम बात करेंगे mountain plants. Mountain plants क्या होते हैं? These are evergreen and have waxy needle-like leaves. बहुत ज़्यादा green और waxy से needle-like लीव्स होते हैं इनके, यानी बहुत पतले पतले होते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो वेरी स्लो और ये बहुत ज़्यादा स्लो स्लो ग्रो होते हैं। रेन फॉरेस्ट प्लांट इन रेन फॉरेस्ट आर मोस्टली एवर ग्रीन ट्रीज। जो रेन फॉरेस्ट में होते हैं प्लांट्स ग्रो, उनके भी ग्रीन ग्रीन ट्रीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है, पानी मिलता रहता है, इस वजह से। दे आर टॉल from an umbrella like canopy of leaves. और इनकी जो leaves होते हैं, अगर आप लोग नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखते हों तो वहाँ पर बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह जंगलों में या रेन फॉरेस्ट में किस तरह ट्रीज़ होते हैं जिनके बिल्कुल umbrella like जो है वो leaves होते हैं, ठीक है, जो कि लाइट्स को लाइट आना बंद कर देते हैं, ठीक है, मतलब छाँव देते हैं वो बेसिकली। तो वो अम्ब्रेला की तरह होते हैं और पूरे फैले हुए होते हैं, बिल्कुल अम्ब्रेला की शक्ल शेप के होते हैं, ठीक है। फ्यू प्लांट्स सर्वाइव ऑन द ग्राउंड बिकॉज द फॉरेस्ट फ्लोर इज़ डार्क एंड डैम्प। और कुछ प्लांट जो हैं वो फ्लोर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है, वो ज़मीन जो होती है उसकी बहुत डार्क होती है और डैम्प होती है, यानी थोड़ी बहुत गीली होती है, ठीक है। Plants which grow at the top of the trees are called epiphytes. However, they make their own food and are not parasites. ये parasites नहीं है। Parasites का मतलब होता है किसी को भी खाना या किसी चीज़ को लेके और फिर अपना grow करना, तो ऐसा नहीं है। Like human are parasite, animals are parasite, but not these kind of plants. ठीक है, ये एपिफाइट होते हैं, ये देख लीजिए आप लोग, पिक्चर बनी हुई है, और ये इस तरह का रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, नाउ व्हाट इज़ वार्म ब्लडेड एनिमल? वार्म ब्लडेड एनिमल कौन है? पोलर एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल। व्हेल्स एंड डॉल्फिन हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर टू कीप देम वार्म। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वो गर्म कैसे होता है? क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत, जो लेयर होती है वो बहुत फैटी होती है, ठीक है, चर्बी वाली होती है, और ब्लबर होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जो कि उनको वार्म रखती है, इसी वजह से उनको जो ब्लड है वो भी वार्म रहता है, ठीक है। सील्स ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट एंड अ थिन कोट ऑफ फर टू कीप देम वार्म। और जो सील है, ये जो सील आप लोग को नज़र आ रहा है, इसके भी क्या होते हैं कि एक थिन कोट होते हैं, उसके ऊपर फर होते हैं, यानी जो रुआ सा होता है ना वो होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द शिफ्टिंग टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग। ये वो एनिमल होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर तब्दील नहीं होता अगर टेम्परेचर तब्दील हो, ठीक है। जैसे कि हम हैं, हम वार्म ब्लडेड नहीं हैं, हमारा क्या है कि हमें सर्दी होती है तो सर्दी लगती है, गर्मी होती है तो गर्मी लगती है, हमारा भी टेम्परेचर उतरता चढ़ता रहता है, ठीक है, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। दे हैव टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट लेवल। फॉर दिस रीज़न मैमल्स एंड बर्ड्स आर ऑफन कॉल्ड वार्म ब्लडेड। और इसी वजह से जो है मैमल्स या फिर बर्ड्स हो गए, वो वार्म ब्लडेड रहते हैं, क्योंकि इनका जो अंदर का टेम्परेचर, उनके जो मैकेनिज्म वो होता है जो कंट्रोल करता है उनको टेम्परेचर को, ठीक है, तो वो उनको एक कॉन्स्टेंट लेवल पर रखता है, यानी एक ही लेवल पर रखता है, यानी अगर वो गर्मी में रहने की आदि है तो उनको गर्म ही रखेगा, भले ही टेम्परेचर इर्द गिर्द का विंटर हो, ठीक है, या कोल्ड हो, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं?
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नैक्स हो गया, लिजर्ड हो गया, हाइबरनेट दैट इज द स्लीप इन विंटर। ठीक है, अच्छा हाइबरनेट क्या होता है, जो विंटर में जो है ना मतलब वो सो जाते हैं। हाइबरनेट का मतलब बेसिकली ये होता है, हाइबरनेट हम इसको कहते हैं कि बिल्कुल अंदर छुप जाना। ठीक है, जैसे सर्दियाँ आई और सर्दियों में कुछ जानवर होते हैं जो कि सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, सर्दियाँ आते ही अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं। ठीक है, और जब सर्दियाँ जाती हैं तो वो अपने अपने बिलों में निकल जाते हैं, यानी वो हाइबरनेट हो जाते हैं, कुछ वक्त के लिए गायब हो जाते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द शिफ्टिंग टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है कि जिस तरह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका टेम्परेचर तब्दील हो जाता है उनकी सराउंडिंग में। ठीक है, जैसे इंसान कोल्ड ब्लडेड है, उनका जो टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर क्या है, सर्दियाँ होंगी हमें सर्दियाँ लगेंगी, गर्मियाँ होंगी हमें गर्मियाँ लगेंगी। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट हैपन्स इफ यू आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, दे कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एज दे हैव नो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट लेवल। अब जो रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस हैं, जिस तरह के लिजर्ड और ये सब हो गए, तो इनका भी टैंक का जो टेम्परेचर है वो उनमें टेम्परेचर कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं होती, मैकेनिज्म यानी सलाहियत नहीं होती जो कि उनका टेम्परेचर है जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पे रख सकें। वो आप लोगों को ये छोटा सा लेक्चर है समझ आया होगा। आई थिंक वन मोर लेक्चर एंड द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू।